अब हमारे साथ रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रोहित हाय आफ्टरनून, बताइए आज इंडेक्स पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा पॉजिटिव है, थोड़ा देख दिया है, मुझे लग रहा है कि आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 15200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेकआउट जो हम लोग को आज के सेशन में देखने को मिले, तो मुझे लग रहा है कि 12 काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आपका जो इमीडिएट बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा वो 15200 के नीचे आप लगा ले, और मुझे लग रहा है कि रोज के वो काफी फेयर है, बैठ रहा है यहाँ से, तो 15300-15400 तक का एक मूव हम लोग निफ्टी के अंदर वापस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 1-2 सेशन के अंदर। तो निफ्टी के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी, 15200 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी बैंक के अंदर भी इंट्राडे के लिहाज से आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 36000 ऑन इमीडिएट बेसिस काफी अच्छा सपोर्ट है, और 35800 ओवरऑल बेसिस पे काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर किसी को इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करना है तो 36000 का आपको सपोर्ट मेंटेन करके चलना है, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि वापस ऑन इमीडिएट बेसिस आज के दिन में हम लोग को एक बार 36500 के लेवल भी देखने को वापस मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक दोनों में ही आपको खरीदारी करने की सलाह है। चलिए मैं आपको बता दूं ये कैश लेवल्स हैं जिनके बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 36100 के लेवल्स के हम ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। 36000 ये एम लेवल है, इस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी करने की राय निफ्टी बैंक पर दोबारा आपको मिलते हुए दिख रही है। 36500 तक एक पुल बैक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, और रोहित ये भी मानते हैं कि 15200 अहम लेवल्स हैं जैसे कि नितिन जी ने कहा, और 15200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 15400 इनके भी टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। रोहित ये बताइए कि आज ऐसे बाजार में क्या दोनों स्टॉक्स आपकी खरीदारी के ही होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है कुछ दिनों से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा बाइक रहेगा दो कॉल, तो पहला स्टॉक रहेगा और रहेगा टाटा पावर। काफी नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है आज के सेशन के अंदर, टाटा पावर के अंदर वॉल्यूम काफी अच्छा एक्टिव है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर मेरा बहुत ठीक रहेगा यहाँ से। ऊपर की तरफ 120 का थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा, 120 के टारगेट के लिए थोड़ा पोजिशन बेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 109 का रहेगा, और सेकंड जो पिक रहेगा वो टाइटन रहेगा। टाइटन के अंदर भी फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले हैं आर्मी चार्ट पर, तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक वापस 1470 जो कि आपका इमीडिएट बेसिस में स्टॉप लॉस रहेगा, तो जब तक ये 1470 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक बार 1530-1550 तक का मूव हम लोग को टाइटन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर और टाइटन ये दो पिक रहेंगे उदयनाथ मेरे। देखिए टाटा पावर ऑलरेडी हम देख रहे हैं फ्रेश 52 वीक हाइज आज टाटा पावर में भी आता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल पावर सेक्टर में आज हम देख रहे हैं फिर एक बार गेंस आते हुए दिख रहे हैं। और टाटा पावर लगातार हमने देखा है जनवरी के महीने से एक अपमूव आता हुआ दिख रहा है टाटा पावर पर, और 120 की टारगेट्स के लिए आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्लोली एंड स्टडीली ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे, 109 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है खरीदारी की राय टाटा पावर पर। और टाइटन ये दूसरा स्टॉक है जहां पे आपको करनी है खरीदारी, 1530-1550 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। अब हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके